तरी में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया और हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। एक बड़ा ट्रक जिसने बाइक सवार शख्स को रौंद डाला उसकी मौके पर ही मौत हो गई इस दुर्घटना में। और हादसे के बाद क्या हालात सड़क पर थे आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जब एम्बुलेंस वहां पहुंची और शव को वहां से उठाया गया तब तक काफ़ी बिगड़े हुए हालात थे वहां पर। ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ था। धमतरी से ये पूरा मामला सामने आया। और धमतरी में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। दरअसल हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा इसमें घायल बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया और हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है धमतरी से। और इंदौर से बड़ी खबर, डेंगू से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में 12 मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 224 हो चुकी है। आपको बता दें कि डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मच्छरों के काटे जाने से बचें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऐसे में डेंगू के मामलों को रोकने का ये एकमात्र उपाय है। और इसके अलावा एक और उपाय जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये कि अपने घर के आसपास साफ पानी एकत्रित ना होने दें खुले में, जिससे कि मच्छरों का बढ़ना सुनिश्चित होगा। और ऐसे में साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें या अगर पानी कहीं है तो वो ढका हुआ होना चाहिए जिससे मच्छर उस पर अंडे न दे सके। और राजधानी भोपाल में एक बार बंदूक की नोक पर लूट का फिर से मामला सामने आया। दरअसल कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में ज्वेलर्स की शॉप पर लूट का मामला सामने आया। हेलमेट पहनकर आए बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया और बदमाशों ने कैश, सोना, चांदी, जेवर लूटा और फरार हो गए। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना 5 अधिकारियों को भारी पड़ गया। दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल अप्रैल 2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़ा फैसला दिया था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस पूरे मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। और श्योपुर में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल मामला विजयपुर इलाके के खितरपाल गांव का है जहां रात 12 बजे सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दिया। गांव वालों ने तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। और आसपास के लोगों ने जो वीडियो इसका बनाया, इस वक्त वो वीडियो आप देख रहे हैं, सड़क पर मगरमच्छ टहलता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए चहलकदमी करता हुआ मगरमच्छ तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। और अगर इसके आसपास कोई पहुंचा तो हो सकता है कि अपने बचाव में ये किसी को घायल भी कर दे या हो सकता है किसी की जान भी ले ले। और सीधी में तालाब के किनारे एक मगरमच्छ दिखाई दिया और ये तालाब गांव के ही नजदीक है। और ऐसे में मगरमच्छ को देख गांव के लोगों की हालत खराब है। इस वक्त मामला बहरी थाना क्षेत्र के गुड़ाही गांव का बताया जा रहा है जहां भारी बारिश के बाद उफनाई सोन नदी का पानी जो तालाब में बहकर आया और ऐसे में तालाब के जलभराव के बाद ये मगरमच्छ भी बहकर इसमें चला आया। और मगरमच्छ के यहां आ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, डर है लोगों में कि ये गांव के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। दरअसल अब इसी तालाब को मगरमच्छ ने अपना डेरा बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तालाब के किनारे मगरमच्छ पड़ा हुआ है एक तरह से और ये लोगों के लिए डर का कारण भी बना हुआ है।
और उज्जैन में रक्षाबंधन पर महाकालेश्वर मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भगवान महाकाल को लगाया जाएगा, जिसे लेकर मंदिर के पुजारियों ने लड्डू बनाने की शुरुआत कर दी, जिसमें कलेक्टर भी शामिल हुए। वहीं बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने राखी बनाई है, जो कि बाबा महाकाल को अर्पित की जाएगी। और बाबा महाकाल के लड्डुओं का भोग लगाए जाने की तैयारी है और इसके लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और बाकायदा शुद्ध देशी घी से ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर इन लड्डुओं का भोग लगाया जाना है, बाबा महाकाल को राखी भी अर्पित की जाएगी और ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और बाबा महाकाल के लिए ये विशेष भोग तैयार किया जा रहा है। और देश में भोपाल और इंदौर ये पहले दो शहर ऐसे हैं जिन्होंने वेटलैंड सिटी के रूप में अधिमान्यता के लिए प्रस्ताव दिया है। ये जानकारी राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में दी गई। पर्यावरण एवं वन मंत्री रामनिवास रावत ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए नदी तालाबों के किनारे पर पौधे लगाने और नदी तालाब को शहर से सीवेज से प्रदूषित होने से रोकने के निर्देश दिए। रावत ने कहा कि मध्य प्रदेश नदी तालाबों से एक संपन्न राज्य है, सरकार और समाज को मिलकर तालाबों का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन तालाबों के समुचित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जल स्रोतों का बचना राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता है। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में पहला वीडियो सामने आया। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पिछले 4 दिन से पूरे देश के डॉक्टर्स इस हत्या के बाद से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का है। डॉक्टर की हत्या के बाद की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि इस हालात में जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से, जिस परिस्थिति में मृतक पीड़िता की बॉडी मिली है, इस पर आक्रोश हर किसी में है। और सेमिनार हॉल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेमिनार हॉल में वहां ड्यूटी पर तैनात आरक्षक और जूनियर डॉक्टर जो कि पीड़िता है और आरक्षक जो आरोपी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे साजिब वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता परिवार की कुर्बानियों को गिनवाया। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी शोक प्रकट किया। शेख हसीना ने हिंसा की घटनाओं को आतंकवादी हमला करार दिया। साथ ही उन्होंने जुलाई के बाद बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की बात कही। 15 अगस्त को शेख हसीना ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी रद्द कर दी है और जिस तरह शेख हसीना का अब बयान सामने आया है, उससे साफ जाहिर है कि जो घटनाएं, इस तरह की हरकत बांग्लादेश में की जा रही है या अब तक की गई, उससे उन्हें दुख पहुंचा है, वे आहत हुई हैं। इस बारे में पहली बार उनका बयान सामने आया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि कलेक्टर के चैंबर की फॉल सीलिंग ही आकर धड़ाम हो गई। घटना के दौरान चैंबर में उस वक्त कलेक्टर अवनीश शरण मौजूद नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल घटना ने पीडब्ल्यूडी के मेंटेनेंस के खोखले दावों की पोल खोल दी है। बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्से जर्जर और फॉल सीलिंग से पानी टपकने की घटना भी होती रही है पीछे, और अब पूरा फॉल सीलिंग ही जमीन पर धड़ाम हो गया। अभी देखिए पानी
किस तरह से टपकता है यहाँ से, इसकी ये निशानी इस पर दिखाई दे रही है। कलेक्टर के चैम्बर की फॉल सीलिंग गिरी है और इस दुर्घटना में उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, नहीं था कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। बिलासपुर में ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इस दौरान चैम्बर में कलेक्टर मौजूद नहीं थे और कोई अन्य स्टाफ भी मौजूद नहीं था। ये राहत की बात रही। हालांकि अब पीडब्ल्यूडी विभाग के काम पर सवाल उठ रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए जो लाखों करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी किए जाते हैं उनके द्वारा क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है और क्यों इस तरह की घटना हुई, क्या इस बारे में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी, और यदि थी तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब तराशने का प्रयास जारी। और कवर्धा में नाबालिग लड़की की एक नशेड़ी ने डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें इलाज के दौरान युवती की लड़की की मौत हो गई और आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी है और किसी बात को लेकर उसने नाबालिग लड़की को डंडे से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। और जांजगीर चांपा में 8वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने पिता की अलमारी में रखी हुई पिस्टल को स्कूल लेकर पहुंच गया। बैग की जांच के दौरान शिक्षक को पिस्टल मिली और इस पूरे मामले में छात्र के बैग से मिली पिस्टल के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और छात्र से पिस्टल के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने छात्र के पिता के घर की तलाशी ली तो वहां एक तलवार भी मिली है। पुलिस के द्वारा छात्र के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कैलाश कश्यप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैलाश, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जो दुनिया में किसी से नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। आखिरकार पिता के जो गुनाह है वो बेटे ने उसके राज ही खोल दिए। जी आपको बता दूं कि ये स्कूल में स्कूल बैग में भर के लेकर देसी पिस्टल को लेकर गए थे। गुरुकुल स्कूल का मामला है। इस पर जब बैग की चेकिंग हुई, डेली रूटीन की कार्यक्रम में चेकिंग चलता रहता है बच्चों लग कर, तो इसी दौरान जो है ये देसी पिस्टल मिला। उसके बाद इसकी सूचना जो है थाना को दी गई स्कूल प्रबंधन द्वारा। उसके बाद जब इनके पालक के घर में जब तलाशी ली गई तो चाकू भी बरामद किया है। तो पालक और उनके चाचा और उनके पिताजी जो रोड में इन दोनों में से जो है बीए के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिर इस तरह के मामले में स्कूल दहशत का माहौल था, स्कूल के बीच में निकलना कहीं ना कहीं को पूरा दहशत में ला, जिसकी सूचना तत्काल दी और तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको जेल दाखिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में लकड़ी तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल इमारत में इस्तेमाल की जाने वाली अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी का पिकअप जब्त किया गया। बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी ले जाई जा रही थी, जिसके साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि जो अन्य कुछ साथी थे इसके वे फरार हो गए। सेंदुर गांव के जंगल से ये लकड़ी की तस्करी की जा रही थी और इस लकड़ी को बनारस ले जाए जाने की तैयारी थी। रात को मुखबिरी सूचना मिलने के आधार पर हमारी वन परिचित बलरामपुर की टीम सेंदूर गांव में दबिश करने गई और परिवहन करते समय सेंदूर गांव में ही करीबन सुबह 4:30 बजे एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें 6 नग साल लट्ठा बरामद किया गया है, जिसका कुल घन मीटर 1.527 है और अनुमानित उसका जो मूल्य है वो 52,000 रुपये है। और सूरजपुर में 3 हाथियों के एक दल ने उत्पात मचाया हुआ है, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। दरअसल बिहारपुर के वन परिक्षेत्र के मोहरसोप गांव का ये पूरा मामला है। किसानों की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, किसानों को इस बात का भी डर है कि हाथी कहीं घरों पर हमला ना कर दें। और चूंकि अब तक हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं
सामने आई हैं उसमें कई हाथियों के ऐसे हमले जो घरों पर हुए, जिसमें घर पर हमला करके वहां पर घर में मौजूद लोगों पर हमला कर उनकी जान ले लेने वाले हाथी भी सामने आए। और ये तीन हाथी इस वक्त दहशत का पर्याय पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने घर पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा फहराया गया है। और हर घर तिरंगा अभियान में प्रधानमंत्री के द्वारा सभी से निवेदन ये किया गया है कि अपने घर की छत पर, अपने घर पर या अपने घर में एक जगह तिरंगा जरूर लगाएं।